बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान की इन दिनों कुछ तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें शाहरुख खान सफेद कपड़ा ओढ़े हुए हैं और साथ में मास्क भी लगाए हुए हैं। दोस्तों, फोटोज देखने पर आपने ये अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि ये तस्वीरें मक्का मदीना की हैं। लेकिन दोस्तों, दरअसल शाहरुख खान वहाँ सऊदी अरब में अपनी अपकमिंग मूवी डंकी की शूटिंग कर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, डंकी इनकी एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको ड्रामा के साथ ही साथ इमोशनल सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, मूवी का निर्देशन राजकुमार हिरानी द्वारा किया गया है और इसी मूवी की शूटिंग पूरी करने के बाद शाहरुख खान ने पवित्र स्थान मक्का का दौरा किया और इन्होंने वहां इस्लामी तीर्थ यात्रा उमराह की। फोटो में आप इनके साथ इनके फैंस की भीड़ भी देख सकते हैं और वहीं से इनकी ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। अब दोस्तों, बात अगर मूवी को लेकर करें तो दोस्तों, मूवी में इनके साथ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी नजर आने वाली है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इनकी ये मूवी कब रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, शाहरुख खान की ये मूवी 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।